19 तारीख को लखनऊ में हिंसा के दौरान मारे गए वकील अहमद के परिवार वालों से मुलाकात करने कांग्रेस डेलीगेशन में जितिन प्रसाद, आचार्य प्रमोद कृष्णा, जफर अली नकवी आदि लोग पहुंचे हैं। 19 दिसंबर को CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से वकील अहमद की मृत्यु हुई थी। डेलीगेशन आज मैं आया था, आपसे मुलाकात हुई, किस तरीके की बात हुई और क्या कहा? अब उन्होंने कहा है, मतलब फादर से मेरे फादर से मैंने बात करने के लिए, फादर अभी थोड़ा काम से गए तो फादर जब आएंगे तो उनसे जो बात हो, मतलब क्या आपको सूचना थी वो लोग आ रहे हैं, इस संदर्भ में कोई बात हुई कि आपने उस घटना के बारे में उनसे जिक्र किया, कोई बात हुई अभी अंदर? जी हाँ, बात हुई। क्या बात हुई बताइए? बात ये हुई कि मतलब ये पूछ रहे थे कैसे, मतलब क्या हुआ हादसा, तुमको मैंने जो सब बताया डिटेल, कैसे क्या हुआ था, कैसे गोली लगी, कैसे मतलब किसने क्या किया, मतलब सब बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आपने क्या बताया उनको? उनको क्या बताया, हमने यही बताया कि जो है मतलब गए थे सौदा लेने, गए थे वो सौदा लेके वापस आ रहे थे, तो मतलब भगदड़ हुई बीच में, तो उन्हें सोचा इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से निकल ले, अब भगदड़ में गोली लगी, किसकी लगी ये नहीं मालूम चला। ऐसे में जिस तरीके से आपके भाई डेथ हुई है, आप लोग क्या मांगते हैं? अब प्रशासन हमारी जो मदद करे, हमारी मदद कर ही रही, मतलब पूरी कोशिश है प्रशासन की, हमारी मदद कर रही, पुलिस हमारी मदद कर रही है, और मतलब हमारी भाभी के नाम, मतलब उनके जो है जो उनको मतलब कॉलोनी का था वो भी सब हो गया है, मतलब प्रशासन हमारी पूरी तरीके से मदद हमारी कर रही है। आपको क्या लगता है कि आपके भाई की जो डेथ हुई है वो किस वजह से, कैसे हुई है? अब किस वजह से हुई, वो तो गए थे सौदा लेने, गए थे वो सौदा लेके, बस वहाँ से निकले, भगदड़ हुई बीच में, भगदड़ में सोचा उन्होंने दूसरे रास्ते निकले, दूसरे रास्ते जब निकलने लगे तो उनके गोली लग गई, अब किसकी गोली लगी ये नहीं मालूम। आपने कांग्रेस इनसे भी कोई मांग की है कुछ इसी तरीके? जी कोई मांग नहीं।